दो बड़े स्कूलों के लिए नगर निगम अमले ने बदले नियम कानून। पानी की समस्या नगर में आई तो होगी निगम में तालाबंदी, कहा नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्रा ने। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता कर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। जहां कोई आबादी नहीं वहां 46 लाख की सड़क, 100 करोड़ पीने के पानी के लिए खर्च, फिर भी शहर प्यासा, यह कैसा विकास। बिलबांग स्कूल और गुरुकुल स्कूल के संचालकों का वोट बैंक 5000 वोट बैंक से ज्यादा का है, चुनावी साल का सबसे गंभीर सवाल उठाया नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने, जिसका जवाब भविष्य में शायद सत्ता पक्ष के पास न होगा। स्थानीय विधायक मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पे यहाँ की महापौर, यहाँ का नगर निगम का प्रशासन, उनकी MIC जो भी कार्य कर रहे हैं वो जनता के हित को न देखते हुए अनैतिक कार्य चालू हो गए हैं। स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी अपने भाषणों में, लक्ष्यदार भाषणों में रीवा की विकास की बात, रीवा में लोगों को शुद्ध पानी पिलाने की बात लगातार करते हैं और उसके माध्यम से रीवा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक सड़क का टेंडर कराया है, वो जो सड़क है वो नेशनल हाईवे 7 कत्ता फैक्ट्री के सामने से बिरला वन स्कूल से होते हुए गुरुकुल स्कूल तक है। 46,76,900 रुपए की यह सड़क कुछ भूमाफियों, कुछ स्कूल संचालकों के लिए बनाई जा रही है। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको सिर्फ खुद प्रतीत हो जाएगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी भर्रेशाही रीवा शहर में हो रही है और रीवा का स्थानीय मंत्री बिना निविदा के कुछ दिन पूर्व जाकर वहाँ पर उसका भूमि पूजन भी करके आता है सुनियोजित ढंग से, जैसे एक षड्यंत्र के साथ ये कार्य होता है उस तरह का ये कार्य लगातार किया जा रहा है। और को स्थानीय मंत्री को ये अवगत कराना चाहते हैं, पूर्व में हम लोगों ने तत्कालीन आयुक्त को अवगत भी कराया था, हमारे सम्मानित पार्षद, हम लोग जब से पार्षद हुए हैं उसी रीवा में अगर किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग जेल तक गए, हमारे खिलाफ मुकदमे लगे हुए हैं, हम लोगों ने परिषद में 12-12 घंटा का धरना दिया, हम लोगों ने कबूतर का घेराव किया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग और यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी चमड़ी बड़ी मोटी हो गई है। अब वो किसी को कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, उन्होंने जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस गर्मी के ऋतु में पानी की समस्या उत्पन्न हुई तो हमारा पार्षद दल नगर निगम की तालाबंदी करेगा।